अच्छा ये थे कैसे चल रहे हैं? साइलेंट प्रोटेस्ट, ये साइलेंट प्रोटेस्ट है। ऊपर ऊपर تھوڑا گژھِ बेकार बैठे हैं, इंश्योरेंस खत्म हो गया, उसके बाद जो ये कोविड आ गया, कोविड किस बात पे आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं? हम आपकी वसादत से प्रोटेस्ट इसलिए कर रहे हैं जो 2014 में सैलाब आया, उसके बाद ऑनर्स ने गाड़ियाँ खुद ही स्टार्ट की, उस वक्त भी गवर्नमेंट ने हमारे लिए कुछ नहीं किया। उसके बाद 2016 की आपको पता है उसमें क्या हुआ, वो भी आप बखूबी वाकफ है उसे। उसके बाद 2019 में पहले 5 अगस्त से जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर है, चाहे इसमें सोमो है, बस है, मिनी बस है, टवेरा है, ऑटो है, ट्रक है, जो भी है, कोई जो भी इससे वाबस्ता लोग है, 70,000 गाड़ियाँ खाली कश्मीर वैली में हैं, इसकी तरफ किसी ने तवज्जो नहीं दिया। हम बार बार एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ कहना चाहते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन आपकी वसादत से बात पहुंचाना चाहते हैं, उन्हें एला हुकाम तक बात पहुँचा, एल जी मुर्मू से कहना चाहते हैं, मुर्मू साहब कम से कम इस सेक्टर की तरफ मेहरबानी करके तवज्जो दीजिए, और जो ये एला हुकाम में बैठे हैं लोग, इनको बोलो कम से कम इस सेक्टर जो तबाही के दाने पर सेक्टर पहुँचा है, ये वो सेक्टर है जो गरीब लोगों की खदमत करता है। मज़दूर किस में जाएंगे? मज़दूरों के पास कौन सी गाड़ियाँ? इनने मुलाजिमों को बोला ड्यूटी पर आ जाओ, सबके पास अपनी गाड़ियाँ नहीं। मैं फिर एक बार आपकी वसादत से कहता हूँ, सबके पास अपनी गाड़ियाँ नहीं, वो कैसे आएंगे, कैसे चलेंगे? मज़दूर क्या कमाएंगे, मज़दूर क्या खाएंगे? जो इस लोग इससे तबका वापस आए वो क्या खाएंगे? इनने उसको तरफ कोई तवज्जो ही नहीं दिया। डीजल में है कि टैक्स टोकन डबल किया, पता नहीं खड़ी गाड़ी में क्या परेशानी है। आप इधर कैमरा घुमाइए, ये जो बस फ्लीट है इधर, मैं पारिमपरा बस स्टैंड में इस वक्त हूँ, इस बस फ्लीट में अगर ये गाड़ियाँ हम कल स्टार्ट करेंगे, 10 महीने हो गए इंश्योरेंस के साथ, इंश्योरेंस जो खत्म हो गया, वो कहाँ से मालिक लाएगा 72,000 फिर इंश्योरेंस करेगा, फिर अपनी गाड़ी निकालेगा? ये गवर्नमेंट क्या चाहते हैं हमसे? हम यही कहना चाहते हैं, मेहरबानी करके इस सेक्टर की तरफ तवज्जो दे। क्या SRT के जब हमको बटवाल से शिफ्ट किया गया बाय फोर्स, और हाईकोर्ट के ऑर्डर से हम इधर आ गए, हाईकोर्ट का जो ऑर्डर निकला हम उसकी वजह से हम ऑनरेबल हाईकोर्ट का हम स्वागत ये करते हैं, मानते हैं, सही बात है, चलो हमको शिफ्ट किया। अगर हमको शिफ्ट किया तो उन्होंने उसमें SRTC लिखा, हर एक को लिखा, तो वह कैसे इलीगल ऑपरेशन वहाँ चलाते हैं? ये कौन सी, ये तो हमको समझ, हम परेशान हाल हो गए। अब आपकी वसादत से एक बार फिर एक कहना चाहते हैं, और मैं अपने ट्रांसपोर्ट जो भी कश्मीर वैली में ट्रांसपोर्ट रहे, चाहे जिससे भी वो वाबस्ता है, ट्रक है, टिपर है, बस है, मिनी बस है, ऑटो है, सोमो है, जो भी वाबस्ता है, मैं उनसे अपील करना चाहता हूँ, मेहरबानी करके थोड़ा सब्र और कीजिए। मैं आपकी बात हर एक तक पहुँचा रहा हूँ, जो ये ऑल कश्मीर ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन है, ये आपकी बात हर एक के पास पहुँचाना चाहते हैं और पहुँचाते रहेंगे इंशाल्लाह रहमान, जब तक हमको अल्लाह पाक अपना मदद नहीं करेगा। थैंक यू।